ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं समाचार टुडे का खास शो कौन बनेगा सुल्तान, और हम बात कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव के एक बड़े फैसले की। जी हां, मुलायम सिंह यादव ने 325 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, और उन 325 उम्मीदवारों में अखिलेश के समर्थकों का, अखिलेश के लोगों का ध्यान नहीं रखा गया है। इसे कैसे देखते हैं तमाम और पार्टी के नेता, उनकी प्रतिक्रियाएं हम ले रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं मकसूद साहब, आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश से इनसे बात करेंगे। मकसूद साहब, आप किस तरीके से देखते हैं इन 325 उम्मीदवारों की लिस्ट को, क्योंकि पहले कलह लगातार हुई थी चाचा और भतीजे में, लेकिन अचानक से मुलायम सिंह यादव फ्रंट में आते हैं और 325 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर देते हैं। ऐसा है कि ये तो टिकट का बंटवारा, टिकट बंटवाने में घमासान होता ही, चाहे जिस पार्टी का मामला जी करके समाजवादी पार्टी का अंदरूनी मामला है, और ये घटनाक्रम जो है, घटना चक्र 3 महीने 4 महीने से चल रहा है। जी, तो लोग यही अंदाजा कर रहे थे कि कौन भारी और कौन कम और किसकी चलेगी किसकी नहीं चलेगी, इन सब चीजों के बीच में लोग फंसे थे, और लोग समझ रहे थे मुलायम सिंह यादव जी ड्रामा कर रहे हैं। वो बहरहाल जो कुछ भी है, मैं तो ये कहूंगा कि वो तो मुलायम सिंह यादव जी चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी चलनी ही थी, उनकी चल रही है, उनकी नीयत की बात है ना। कुछ लोग कह रहे थे शिवपाल के साथ है, कुछ लोग कह रहे थे वो अखिलेश जी के साथ है, बेटे के साथ है, शिवपाल को किनारे लगाना चाहते हैं, अखिलेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अखिलेश को किनारे लगाना चाहते हैं, शिवपाल जी को बढ़ाना चाहते हैं। तो उनका कानूनी मामला है, अभी 2-3 दिन में क्लियर ही हो जाएगा क्या होने वाला क्या होने वाला नहीं है, ये कोई नई बात नहीं। अखिलेश यादव जी जो है, पिछली बार तो हमारा ही टिकट काटा था, है किसी बात से जी जी जी, पिछले चुनाव में अखिलेश यादव जी ने हमारा ही टिकट काटा था, मतलब सबसे पहले जो पहली दिन लिस्ट निकली थी उसमें दाखिल मसूद का पहला नाम था, और जब चुनाव लड़ने का मौका है और पर्चा दाखिला का मौका है, तो अखिलेश ने ही बड़ी बेरहमी से हमारा टिकट काट दिया था। बिल्कुल बिल्कुल सही है, 2-3 दिन इंतजार कीजिए, और मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं 24 घंटे इंतजार कीजिए, सब कुछ सामने आ जाएगा। और मकसूद साहब, नहीं मकसूद साहब, 78 नामों को अभी साइलेंट रखा गया है, मतलब 78 नाम है, 78 सीटों पर अभी तक कुछ भी फैसला नहीं लिया गया है। और मुलायम सिंह यादव ने जब ये लिस्ट जारी कर रहे थे, उन्होंने मीडिया से बातचीत में ये कहा कि सबने अपनी लिस्ट अपने अपने हिसाब से मेरे पास भेजी, लेकिन मैंने सब कुछ फाइनल किया। ऐसे में जो 78 नाम है जो रोके गए हैं, उन्हें आप कैसे देखते हैं? अब ऐसा है कि उसमें उनकी पार्टी का मामला है ना जी, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उसमें किसी का बस चलेगा नहीं। बिल्कुल 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 करना है। नहीं मकसूद साहब, महागठबंधन की बात चल रही थी, समाजवादी पार्टी, आरएलडी, जेडीयू, ये सब लोग साथ आने की बात कर रहे थे, सुखबुकाहट भी बीच में हुई थी, अखिलेश यादव ने थोड़े संकेत भी दिए थे। ऐसे में अगर जब मुलायम सिंह यादव ने लिस्ट जारी कर दी, ऐसे में क्या लगता है कि महागठबंधन होगा उत्तर प्रदेश में? ऐसा है कि महागठबंधन की किसी ने बात नहीं किया था, मुलायम सिंह यादव जी ने ही किया था जी। हमारे नेता आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह जी ने ये कहा था कि चौधरी चरणवादी और ये लोहियावादी सब लोग एक साथ हो जाए बीजेपी को हराने के लिए। उसके बाद मुलायम सिंह यादव जी ने इसका स्वागत किया था और कहा था महागठबंधन बनेगा जी, और हम सब लोग मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। और मुलायम सिंह यादव जी ने ही कह करके फिर उसके बाद 2 दिन बाद कहा कि कोई गठबंधन नहीं, लोग अपनी पार्टी विलय करें, तो बुले के लिए कोई तैयार नहीं है। और आज उन्होंने 4 कदम आगे बढ़ करके टिकट डिक्लेयर कर दिया, तो उन्होंने महागठबंधन बनाया था, मुलायम सिंह यादव जी ने गठबंधन तोड़ा, इसमें कोई दूसरा दोषी नहीं है। अगर सही बात यह है कि अगर लोग भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में, उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने से रोकना चाहते हैं, अगर लोगों की नीयत साफ है, तो महागठबंधन बनना चाहिए, ये सबका कहना, विपक्षियों का कहना है। अब ये अगर महागठबंधन नहीं बनता तो लोगों की नीयत का पता चलेगा। बिल्कुल मकसूद साहब, एक अहम सवाल आ जाता है कि महागठबंधन नहीं बना, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने एकदम से डिक्लेयर भी कर दिया है, क्योंकि जब सीटों का बंटवारा हुआ है, सीटें डिक्लेयर की गई हैं। ऐसे में अगर हम आरएलडी की बात करें, तो आरएलडी ऐसे में क्या करने वाली है, किसके साथ जाने वाली है आरएलडी? आरएलडी ने तो बहुत सारी सेकुलर जमातों को, विपक्षियों को इकट्ठा किया है, और हम लोग उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उसमें नीतीश कुमार जी की पार्टी है, शरद पवार जी की पार्टी है, और देवगौड़ा जी हैं,
और ममता बनर्जी भी हैं, पांच सात छोटे दार के चौधरी साहब भी हैं, चार पांच छह सात छोटे दल और हैं, और कुछ विपक्षी पार्टियों को हम लोग देखेंगे और हम लोग अपने पैरों पर 403 सीटों पर उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और चुनाव लड़ेंगे। मकसूद साहब, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा, एक अहम सवाल हो जाता है क्योंकि सीटें डिक्लेयर की हैं मुलायम सिंह यादव ने, ऐसे में आरएलडी कब तक अपनी सीटों का डिक्लेरेशन कर रही है, कब तक जनता के सामने आ पाएंगे आप लोगों के उम्मीदवार, आप लोगों के प्रत्याशी? ऐसा है कि सीटें हमारी तैयार है, हम आपस में बात कर रहे हैं, है ना, हमारी तो पहली लिस्ट तैयार ही है, तो मैं समझ रहा हूँ कि अब जब सिलसिला शुरू ही हो गया है ना, दो चार दिन में और भी लिस्ट आई जाएगी। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मसूद साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस पूरी खपत पर बात करने के लिए। तो आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष मसूद साहब हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद थे और इन सीटों के बंटवारे को लेकर और अपनी पार्टी के प्रत्याशी को लेकर भी उन्होंने हमसे बात की, समाजवादी पार्टी के डिक्लेरेशन को लेकर भी बात की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि समाजवादी पार्टी ने, मुलायम सिंह यादव ने साफ साफ संकेत दे दिए हैं कि वह महागठबंधन में नहीं जाने वाले। सीधी सी बात है, जब 325 उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ गई है, ऐसे में जो तमाम और पार्टियां हैं जो महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहती थी, उन सब की आस टूटती हुई नजर आई है। ऐसे में देखना यह होगा कि अकेले चलने वाले मुलायम सिंह यादव, अकेली सोच को लेकर चलने वाले मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश में कितने कामयाब हो पाते हैं। कौन बनेगा सुल्तान में अब बात करते हैं अगली चुनावी खबर की। जी हां, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर अलीगढ़ में एक जनाक्रोश रैली को संबोधित करने पहुंचे और उन्होंने यहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करना जारी रखा। राज बब्बर ने नरेंद्र मोदी की तुलना गद्दाफी और हिटलर से की। उन्होंने कहा कि नोटबंदी का फैसला ऐसा फैसला था जिसने देश की जनता को बहुत परेशान किया है। नोटबंदी के मसले पर पार्टी लाइन पर चलते हुए यूपी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर अटैक किया। अलीगढ़ में पार्टी की जन आक्रोश रैली को संबोधित करने पहुंचे राज बब्बर ने मंगलवार को कहा कि हिटलर और गद्दाफी ने नोटबंदी की दोनों तानाशाह थे। तीसरे के बारे में आप सोच सकते हैं, मोदी ने फैसले से पूरे देश को चोर बनाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी पूरी तरह से फ्लॉप हो गई है। 8 नवंबर से अब तक 65 कानून बदले जा चुके हैं। राज बब्बर ने आगे कहा कि अलीगढ़ ताले के लिए मशहूर है, क्या पता मोदी ताले के शहर के कारोबार में ताले लगवा दे। उन्होंने कहा कि मोदी के फैसले से महिलाएं जो पैसे गुल्लक में बचा कर रखती थी, वे गुल्लक तोड़ दी गई है। महिलाएं ये पैसे बुरे वक्त में अपने पति और बच्चों के मदद के लिए रखती थी। उन्होंने कहा कि मोदी से बड़ा कोई डकैत नहीं निकला। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मोदी को कोई अधिकार नहीं कि वे लोगों की जेब पर डाका डालें। कौन बनेगा सुल्तान में चुनावी खबरों का सिलसिला बस यहीं खत्म होता है, लेकिन हम फिर लौटेंगे कौन बनेगा सुल्तान लेकर, क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश चुनेगा सुल्तान, क्योंकि इस बार उत्तराखंड चुनेगा सुल्तान। आप देखते रहिए समाचार टुडे।